हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैंटेसी स्काउट 11 एफपीएल गपशप। मेरा नाम है रक्षित एंड आई एम जॉइंड बाय टू लेजेंडरी एफपीएल मैनेजर्स, बोथ ऑफ होम आर 1.3 1.4 मिलियन, राहुल भाटिया एंड मनन छिप्पर। क्या हाल है दोस्तों? सब बढ़िया है, प्लेजर बीइंग नंबर वन फुटबॉल यूट्यूबर ऑफ इंडिया। उन्होंने न्योता दिया है हमें एफपीएल की बातें करने का, एफपीएल गपशप करने का। द प्लेजर एंड द ऑनर इज ऑल माइन। दोस्तों क्या हाल है आपका? How is everyone? Obviously, आप हमारी ranks देख सकते हैं। Improvement I think सबका हुआ है इस week ranks में, but obviously it has been a very difficult start to the season. So let us start by looking at our teams और फिर हम बात करेंगे मनन के wildcard team की, क्योंकि मनन is wildcard। बहुत सारे लोग भी wildcard कर रहे हैं, I'm sure आप में से भी बहुत सब wildcard कर रहे हैं। So हमारी thinking क्या है, कौन से players और कौन सी teams को हमें consider करना चाहिए, कैप्टेंसी पे काफी आई थिंक इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो सकता है इस पर्टिकुलर वीक में। सो आई थिंक ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। नाउ पहले बात करते हैं भाटिया साहब आपसे, हु वाज द टॉप स्कोरर इन दिस वीक हम तीनों में से? तो एटलीस्ट 72 पॉइंट्स, टेक अस टू योर टीम, व्हाट वर्कड व्हाट डिड नॉट। ट्रेंट आई थिंक 11 पॉइंटर मच नीडेड, इतना पोटेंशियल दिखाया अभी तक, फाइनली केम अवे विद एन अटैकिंग रिटर्न। ऑल्दो मेरे हिसाब से लिवरपूल बहुत ही ज्यादा लकी थी टू कीप अ क्लीन शीट, स्पेशली द गोल लाइन क्लियरेंस। आई थिंक ट्रेंट का एक होन गोल हो सकता था जो केलहर ने बहुत ही सही सेव किया था। सो ट्रेंट कुड हैव इजीली एंडेड अप ऑन 1 or 2 पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ 11 पॉइंट्स अगर ओन गोल होता था तो, विदाउट एन अटैकिंग रिटर्न। सो आई थिंक स्लाइटली लकी था कि डबल लिवरपूल डिफेंस पेड ऑफ देयर। पूरो डिसअपॉइंटेड होम गेम अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, थोड़ा बेटर एक्सपेक्ट कर रहा था। राया सॉलिड इनफ, 4 पॉइंट्स, आई विल टेक दैट। साला कैप्टन, ऑनेस्टली डिसअपॉइंटिंग यार, आई थिंक 3 गोल गेम में जस्ट एन असिस्ट। I think साला का वूडू है, बोनमत के साथ ही never gives points, even the 9-0 game points नहीं है। Great goal, goal के लिए I think he deserved the bonus, happy with that. Yeah. Eze had 2 good chances against United, especially the second one, I think he should have scored the second half one. Morgan Rogers, हम बात कर रहे थे, this is the week, and finally this was the week, he delivered and 3 bonus to cap it all, I think. 10 points is spectacular return from Rogers. एक सेकंड मनन, क्या बोलते थे कि 90 मिनट्स के देगा आपको रॉजर्स, 90 मिनट्स देगा, पॉइंट्स नहीं देगा, उस पे कुछ बोलना आपको इस पे? Do you have any comments on this? मैंने तो कभी नहीं बोला ये। Every week you mentioned कि रॉजर्स से संबंधित सिर्फ आपको 90 मिनट्स देगा और पॉइंट्स नहीं देगा। मैं कह रॉजर्स 90 मिनट्स देता है, that was the bottom line. और पॉइंट्स नहीं देता है। पॉइंट्स आ जाएंगे। मैंने लास्ट वीक ही बोला था रॉजर्स इज द लीस्ट ऑफ योर वरीज, जब एक बंदे ने कमेंट किया था कि यार ये रॉजर्स को एंड स्मिथ रो इन लोगों को निकाल दें, लाइक कि वेट करो यार, एट देयर प्राइस दे प्रोवाइड सो मच लाइक गुड वैल्यू। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक, गो ऑन भाटिया साहब, मूविंग ऑन। या रॉजर्स का तो मनन ने बोला था, बट उसके साथ साथ वेलबेक के लिए जरूर बोला था कि वेलबेक क्या कर रहा है आपकी टीम में, द वर्स्ट पिक एवर कंपेयर्ड टू मुनीज, कंपेयर्ड टू द लेजेंड ऑफ जाओ पेड्रो, वेलबेक क्या कर रहे हैं? I think João Pedro, what I meant was João Pedro, क्या थोड़ा छोटा दिख रहा था ना, तो what I meant was João Pedro क्या कर रहे हैं आपकी टीम में? वो क्या है ना, भाटिया साहब, आप वेलबेक के करियर की फर्स्ट एवर फ्री किक थी, टॉप कॉर्नर, माय गॉड। अगर आप उससे पहले वाले मैच का हाईलाइट देखोगे ना, उसमें भी he taken couple of free kicks which was close, so it's technically fine. And I think he also missed a big about to come right, the first free kick. It was due. In my books, it was due. Oh my god, a free kick was due. Never heard that. Manan, why are you arguing with the greatest Indian FPL manager of all time? Yeah. I think that was the who are we? Those 6 points were the most I enjoyed, because Manan ne bola Welbeck kyun liya aapne wala. No, I think main thoda sa maine calculation mistake kar di ki Bhatia saab usko laaye hain, aura Bhatia saab ka, तो फिर obviously Welbeck is scoring, right? I mean, he scored because Bhatia saab brought him into his team. Brought him in, yeah, 100%. That is the crux of it. Absolutely. Again, yeah. I think I'm very happy with Welbeck scoring. Haaland से ज़्यादा मज़ा मुझे Welbeck के points में आया, honestly. João Pedro again disappointing यार. 20 minute खेले शायद, and again he's on crutches. जितना सुनने में आ रहा है, could be a early doubt for the next week.
मुझे एक्चुअली सेमेन्यू लग रहा था गलती कर दी बेंच करके, स्पेशली व्हेन ही स्कोर्ड दैट ऑफसाइड गोल, बट लकीली दैट गॉट रूल्ड आउट एंड पेड्रो आ गया एक पॉइंट देने के लिए. बट आई थिंक आई एम डिसेंटली हैप्पी विद द वीक और थोड़ा रैंक बूस्ट हुआ, डिसेंट गेम वीक रैंक, सो प्रीटी हैप्पी. 72 points, nice. Good week, buddy sir. Good week. We'll discuss your future plans again in the video. Chappar sir, आपके साथ चलते हैं. 65 points. Decent week. Great week. Again, when I saw Jota didn't come on and we were talking Rakshit कि यार again जैसे आपके लिए Welbeck था, मेरे लिए इस बार Johnson था who came away with a one point. वो केवल I think 8 minutes के लिए आया खेलने के लिए, but that one pointer I think is huge क्योंकि as you can see Sangare, Barco, my bench is bilkul kuch non-existent. So I was happy. Again, thode se different picks ki. Yeah, I was fucked. Yeah. So thode se different picks ki baat karta. I think Pope, the worst like player, the mistake. Aap jo bolo on game week one team. I think thoda better expect kiya tha maine Newcastle defense this season. Fixtures easy the, but they have been very disappointing. Munoz ने finally कुछ किया, although बहुत lucky थे कि इनकी clean sheet आई, but I was happy कि इन्होंने एक अच्छा six pointer दिया before I just throw him out of my team. बाकी Saliba one pointer against City match का कुछ कह नहीं सकते जैसा हो गया है. I wished मेरे पास यहाँ Gabriel होते, the way he is been playing, but yeah. And then I have Calvert-Lewin जिसको मैं लाया था इस week. I was happy to bring him in, but again, he did nothing. But he's not well back, is he? No, he doesn't have. I don't have the aura that you possess. That, basically, that's the difference. It's not about the player, man. It's about the goat. You are a goat, man. So, yeah. And then Smith-Rowe, I think he has been the best pick, jo maine game week one pe li thi. He has been phenomenal. He's getting better every matlab game. And iske bare mein aage discuss karenge ki kya ye wild card pe, you know, I'll keep him or not. But quite happy with the score this week. So yeah. Okay. Let us go to my team. I got 66 points. So Saturday went off very well. Salah captaincy was obviously underwhelming, obviously, but theek hai. I'll take 6 points. Haaland ne fir bhi outscored kara Salah ko with 9. Trent once again, Munoz as you mentioned, lucky clean sheet, Pope being a disaster, Smith Rowe best pick in game week one mere liye to for sure. Morgan Rogers ki baat hum once again kar chuke hain ki agar eye test aur data dono pass kar raha hai test, right? So that means ki returns are bound to come because it's, I don't think he even in a single match was substituted bhi hua hai. Like he's actually played every single minute and looked good. So returns were just around the corner. Concern is obviously Jota. Mujhe lag raha tha ki acha hua nahi aaya, chalo mero Saliba ka kuch bench jam mil jayega. But in the end, because of the Man City Arsenal match, the way it was, it turned out to be just 1 point. I think all of us went a little too safe. At least me, Manan, you and me with Saliba. Thoda sa hame pata tha Gabriel is the better pick. Everyone knew it. बट हमने अपने माइंड में स्टोरीज क्रिएट कर ली कि ओ माय गॉड कल फ्योरी आ जाएगा, टिम्बर आ जाएगा, जबकि मतलब वो सबसे स्टैंड आउट डिफेंसिव पार्टनरशिप इन यूरोप है. सो दैट वाज अ बैड कॉल आई थिंक, जिसकी वजह से सफर कर रहे हैं राइटफुली सो. एज़े जैसे भाटिया साहब ने बोला कि हाउ डिड ही नॉट स्कोर एटलीस्ट अ कपल ऑफ गोल्स, बट दैट्स द स्टोरी ऑफ एज़े. आई थिंक पूरे सीजन यही स्टोरी रही है. बट वंस अगेन जैसे रॉजर्स के लिए बोला था, वंस अगेन एज़े के लिए बोलूंगा कि ही इज पासिंग ऑल द टेस्ट्स, रिटर्न्स आर बाउंड टू कम सून. He's a great long-term boy. This week. He is due. Yeah. Unlike Welbeck was due. Obviously, that was aura due. But this is again, the returns will come with Azea. Yeah. Jao Pedro ka, once again, I don't know what to do. So, I have 2 free transfers. We'll discuss ki kya karna hai. But currently, players like Jota, maybe some like Munoz or Poro, Jao Pedro, they're on the chopping block as far as my team is concerned. So, yeah, 66. थोड़ा और एक्सपेक्ट किया था पर रैंक राइज, बट इतना हुआ नहीं. बट आई थिंक 500K टाइप राइज हुआ था, विच इज फाइन. इट्स अ सीजन लॉन्ग गेम, सो लेट्स सी हाउ इट गोस. सो लेट्स टॉक अबाउट द फिक्स्चर्स. ये है बेसिकली दोस्तों FDR, जिसे बोलते हैं फिक्स्चर डिफिकल्टी रेटिंग, जो आपको बताता है कि कौन से टीम्स के अच्छे फिक्स्चर्स हैं ओवर द नेक्स्ट 6 वीक्स और किसके अच्छे नहीं हैं. जितना ग्रीन में है उतने बेटर हैं, जितने रेड में है और डार्क रेड में है मतलब उतने अच्छे फिक्स्चर्स नहीं है ऑन पेपर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू से ऑन पेपर.
So, Bhatia sahab, let me come to you. Looking at the next 6 weeks, कौन सी टीम्स आपके और FPL managers के रेडार पे होनी चाहिए? Starting with the top, Arsenal. अगर नहीं है आपके पास Arsenal assets, this is a very good entry point. Next three बहुत अच्छे हैं. उसके बाद भी on paper difficult fixtures है, but we know Arsenal का defense कितना अच्छा है. So defense can still be targeted. I think major team जिनका fixture बहुत turn हो रहा है वो है Brentford. Great run of fixtures. अगर हम FDR आगे भी देखें, even till game week 15, 16, Brentford have a great run of fixtures. I think Mbeumo बहुत ही crucial pick बन जाएंगे. Probably close to a must have for the value he provides. एक और defender भी consider कर सकते हो. Everton again, great run of fixtures. Just that Everton को मैं Brentford जितना trust नहीं करता. On paper बहुत अच्छे fixtures हैं, but Everton as a team काफी inconsistent है. Similar with Ipswich, decent fixtures, but team flaky है. इंटरेस्टिंग बात मेरे लिए लग रही है कि लिवरपूल के फिक्स्चर्स थोड़े मिक्स्ड हो रहे हैं, जो अभी तक बहुत अच्छे थे. वुल्स इज फाइन, पैलेस इज फाइन, बट आफ्टर दैट चेल्सी होम, आर्सेनल अवे, ब्राइटन एंड एस्टन विला, दे नॉट द इजीएस्ट फिक्स्चर्स. एंड आई वुड से फ्रॉम गेम वीक 7 मैन सिटी इज द टीम टू लुक आउट फॉर. दोज आर द मेजर फिक्स्चर टर्न्स. Let me just add a couple of things. First of all, we have talked about Arsenal, right? Ki teen, at least teen acche fixtures, I still feel. जो 10-11 में जो न्यूकासल अवे, चेल्सी अवे, जो रेड है, आई डोंट थिंक सो इट्स रेड फॉर आर्सेनल, स्पेशली ओडेगार्ड इज बैक तब तक. तो डेफिनेटली मतलब बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा आर्सेनल को. बट आई वुड लाइक टू आस्क यू गाइस कि लेट्स से यू नो व्हाइल वी आर थोड़ा हम डिस्कसिंग अबाउट वाइल्ड कार्ड, व्हाट आर द आइडियल 3 आर्सेनल एसेट्स, राइट? बिकॉज यू नो देयर इज राया, देयर इज गैब्रियल, सलीबा, साका, हैवर्ट्स, राइट? देन देयर इज काला फ्यूरी, अगेन रक्षित योर पिक हु यू love and he's very attacking. The fixtures are very very good, at least the next 3, and we know ki at least 2 clean sheets 3 bhi aa sakti hai. Arsenal jis hisab are the best defense in the league. So who are the ideal 3 picks that you would go on a wild card, 3 Arsenal picks? Rakshit, let's start with you. Yaar, agar aapko safe jana hai to I would go for 2 Arsenal defenders and Saka, and 2 Arsenal defenders Saliba, Gabriel honge. बिकॉज हमने देखा है कि फुल बैक पोजिशन में बहुत रोटेशन है. इस वीक आपने देखा कि बेन वाइट वॉज ऑल्सो बेंच्ड, ऑल्दो आई थिंक ही वॉज कैरिंग अ स्लाइट नॉक, बट ऑल्सो शोज यू कि आर्टेटा इज वेरी कंफर्टेबल इन रोटेटिंग एंड ट्रस्टिंग दी अदर टू ऑप्शन ऑल्सो. सो वी माइट सी अ वेरिएशन ऑफ टिम्बर, बेन वाइट एंड काला फ्योरी इन बोथ फुल बैक पोजिशन, राइट? सो मुझे लगता है कि अगर आपको सेफ जाना है वो लॉन्ग टर्म, देन यू कैन गो फॉर सलीबा, गैब्रियल. साका इज ऑब्वियसली एवरग्रीन. He's returned in every single match yeah, match. He's gotten like goal or assist, which is phenomenal consistency. Thoda concern is Odegaard ki injury ka, creativity wise to hai, but also Havertz ki positioning wise hai, because Havertz ab ek number 9 nahi khel raha. So he's good enough obviously ki in sort of easy fixtures mein, and Leicester, Southampton at home are great fixtures here for Havertz. He can do well, but it's not ideal agar wo thoda peeche operate kar raha hai, right? So I would say कि clean sheet पे मैं Arsenal का back करूँगा, judging by the way they are playing. So 2 defenders and 1 Saka. थोड़ा सा आपको risk लेना है, जैसे हम discuss कर रहे थे मनन कि you can punt on someone like Kala Fiori, because अगर आप देखेंगे कि the type of fixtures हैं Arsenal के, Leicester, Southampton, Bournemouth, right? Especially अगर आप Leicester, Southampton की बात करें, मुझे लगता है कि Arteta will take more risks and he will want a defender who can carry the ball. And थोड़ा और अटैकिंग थ्रेड फ्रॉम ओपन प्ले ला सकता है, बिकॉज अभी तक आर्सेनल ओपन प्ले से इतना इंप्रेसिव नहीं लगी मुझे जितना लेट्स से सेट पीसेस से. तो काला फ्योरी इज अ ब्रिलियंट बॉल कैरियर एज वी सॉ इन द लास्ट मैच ऑल्सो, एंड उनका पूरा रेपुटेशन है ऑफ डूइंग दैट, राइट? सो दिस इज एन आइडियल रन ऑफ फिक्स्चर्स की वो मे बी टिम्बर की जगह काला फ्योरी को खिला सकते हैं, बिकॉज ही इज मोर अटैकिंग, और दैट इज वाई मुझे लगता है कि एक इंटरेस्टिंग पंट हो सकता है. अदरवाइज मुझे और कोई एसेट अपील नहीं कर रहा है. हावर्ड्स एंड साका इन अटैक एंड Gabriel, Saliba, and punt pe call of you. You don't like Raya? Raya is a good option. Agar aap wild card kar rahe hai, just bring him and keep him. Matlab, how can I go against, I think, the highest point scoring keeper right now in the game? Also made the saves also. I think fourth highest saves, yeah. Third or fourth but highest. But you have to ask yourself, how many saves will he make in the next 3? That is a question you have to ask yourself. I feel ki at least for the next 3, मुझे लगता है कि राया से बेटर है, बट लॉन्गर टर्म कीपर आप लॉन्गर टर्म ही लेते हो यार, तो लॉन्गर टर्म तो आप राया लाओ और बस सेफ रहो मेरे ख्याल से. अग्री विद इट भाटिया साहब.
Yeah, I think Rakshit ne bahut hi sahi se sum up kar diya. Upside chasing pick double attack, safe pick double defense. Yeah. Double defense mein bhi agar aapko bahut upside chase karni hai to you go with Gabriel and Calafiori and go with Saka. I think that's a very interesting three. Calafiori bahut bade differential hai. And I think ye matches aise hain jaise Arsenal we expect them to dominate possession and get forward. So Calafiori even from left back He is attacking. His technique is good. We saw his goal. So I think upside, achhi upside, and I think it's 5.5, if I'm not wrong. Or is he 6? 6. 5.8. 5.8, yeah. So he's cheaper than Saliba for sure. Yeah. Only thing is, thoda rotation risk hai, but I think the goal threat probably makes it worth it, agar aapko lagta hai ki minute secure. But yeah, jaise I am looking to punt on Calafiori, right? So considering I already have Saliba, I have... let's say bench cover in Munoz and Murillo, who will play 90 minutes every week. Do you think it's worth taking the risk and going for Calafiori, especially keeping in mind ki aise fixtures hain? Yeah, fir simple question hai ki, do you think he starts the next three? I think he does. Aur aapke paas bench cover hai, that is very important. Aap ek aur defender pe definitely risk le sakte ho apne paanch mein se, and that defender should have the attacking upside. मैंने लुइस के साथ किया, अभी तक पे ऑफ नहीं हुआ है, बट ये है कि कभी खेलेगा तो अच्छा पिक है. सिमिलरली Calafiori, आई थिंक Calafiori इज वे मोर नील देन लुइस, स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव, बट फिक्स्चर्स है, अटैकिंग पोटेंशियल है. आई थिंक एज अ लो रिस्क पंट, जिसके पास अपसाइड बहुत हाई है, आई थिंक ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन. आई वुड प्रोबेबली गो फॉर हिम अगर आपके पास पैसा है और पोटेंशियल है ट्रांसफर का. इंटरेस्टिंग. Another team that I would like your opinion on is Liverpool. So basically, again, ek Arsenal hai aur ek Liverpool hai, right? When you talk about game week 6 wildcard, Arsenal you want to have at least 2-3. Liverpool on the other hand, again, I've seen a lot of drafts jisme ek bhi Liverpool assets nahi hai. I've seen a lot of drafts jisme still people are continuing with Liverpool assets, and again, rightly so, they have been very good so far this season. Again, there's Trent, Luis Diaz and Salah, I think, are the three main Liverpool assets that people are still, you know, keeping on wildcard or, you know, they want. So, what is your opinion, agar, let's say, Bhatia saab, Rakshit, if you were wildcarding, how many Liverpool assets would you have and kaun honge wo? And do you think hone chahiye on wildcard Liverpool assets? Dekho. बहुत सारे लोग लिवरपूल एसेट्स निकाल रहे हैं. आई थिंक दे जस्ट लुकिंग एट फिक्स्चर्स. अगर आप सिर्फ ब्लाइंडली फिक्स्चर्स देखोगे तो यू विल ऑलवेज हैव बेटर टीम्स दैट यू कैन टारगेट, ग्रीनर फिक्स्चर्स, बट दैट डजंट नेसेसरली मीन कि द अदर टीम्स आर बेटर ऑप्शंस. लिवरपूल आर एक्चुअली प्लेइंग रियली वेल. एक गेम ब्लिप था होम टू नॉटिंघम फॉरेस्ट, बट लास्ट गेम इवन दो बोर्नमथ वॉज वेरी गुड अटैकिंग वाइज, लिवरपूल प्लेड वेरी वेल देमसेल्व्स ऑन द अटैक. I think Diaz sensational run of form mein hai. Minutes thode risky hai abhi bhi, but his sharpness jo form wo display kar raha hai, I think that this is the best period of his Liverpool career so far in my eyes. He's looking very sharp. Under Klopp wo thode touch line pe jyada rehte the, he was very wide, but under Slot he's making those inside runs, so basically bahut central aate hain, all the big chances are falling to him. So Diaz, great option. Salah is a nailed reliable fantasy asset, Egyptian king, FPL king. So if you're removing Salah, it's definitely a risk. वो तो पता ही है. And अगर आप attacker नहीं लेना चाहते हो, एक बार आप ignore कर सकते हो. I think Trent is probably very close to a must have. See him as a 7 million pick. Don't see him as a 7 million defender. Clean sheet के साथ attacking potential, और clean sheet के साथ ही bonus दे देते हैं क्योंकि इतने chances create करते हैं. Assist आया तो guarantee bonus है, according to me. So I would definitely have Trent, and उसके बाद depends on your risk appetite, अगर आप fixtures target कर रहे हो कि एक form team target कर रहे हो. Yeah, totally agree यार. मेरे हिसाब से Trent पे firstly, मेरे हिसाब से तो season keeper है if he's fit. Yeah. मेरी team में वो पूरे season रहेगा if he's fit, because I think थोड़ा सा blip आया था उसका last season, but with Liverpool looking better defensively and him still getting into very very attacking areas, उसको freedom दिया भाई, right? Slot ने कि तू घूम जाके भाई आगे. अब अगर आप असिस्ट देखोगे, जिस पोजीशन से उसने असिस्ट दिया था, वहां नंबर 10 खेलता है, एक अटैकिंग मिड खेलता है आपकी टीम का, वहां पे आपका राइट बैक इन्वर्ट करके आ रहा है और आपके विंगर को असिस्ट दे रहा है. सो दैट इज द सॉर्ट ऑफ पोटेंशियल जो ये प्लेयर रखते हैं. ही इज नॉट अ 7 मिलियन एसेट फॉर श्योर. तो 100% ट्रेंड तो मैं रखूंगा ही.
तभी वाइल्ड कार्ड आई थिंक थोड़ा ट्रिकी है बिकॉज देर इज अ टेम्पटेशन टू रिमूव लिवरपूल प्लेयर्स प्लेयर्स लाइक डियाज एंड साला एंड अगर आप फिक्स्चर्स भी देखोगे मनन तो नेक्स्ट टू आर एक्सट्रीमली गुड वी सॉ हाउ पैलेस डिफेंडेड अगेंस्ट यूनाइटेड इमेजिन व्हाट लिवरपूल कैन डू अगेंस्ट देम अगला मैच इज वुल्व्स वुल्व्स आर बॉटम ऑफ द प्रीमियर लीग राइट नाउ दे आर लास्ट उनका जो बेस्ट डिफेंडर मॉस्केरा इज ऑल्सो रूल्ड आउट विद एमसीएल दे आर स्ट्रगलिंग दे कंसीडर्ड सिक्स एट होम अगेंस्ट चेल्सी तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी डेंजरस कि अगर आप लिवरपूल प्लेयर्स के फर्स्टली बिना जा रहे हैं और अगर आप निकाल रहे हैं टीम से तो वो तो मेरे हिसाब से लूनसी है टू बी ऑनेस्ट अहेड ऑफ दिस मैच तो मैं तो बोलूंगा कि आपके पास एटलीस्ट एक लिवरपूल अटैकर और दो प्लेयर होने चाहिए फॉर द नेक्स्ट टू फिक्स्चर्स फेयर फेयर अगेन आई जस्ट लाइक टू मेंशन कि लूनसी नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ओके इट्स जस्ट अगेन इट्स अ मोर ऑफ अ फिक्स्चर प्ले अगेन जो क्लासिक डिलेमा होता है फिक्स्चर वर्सेस फॉर्म राइट आई एग्री दो है बट लेट्स से इफ यू डोंट हैव एनी ट्रांसफर सेव्ड अप अगेन इसमें एक थोड़ा सा ट्रांसफर्स का भी पॉइंट आता है लेट्स से अगर आपके पास दो तीन ट्रांसफर पड़े हैं राइट देन यू कैन गो विद समवन लाइक अ लुइस डियाज अगेन साला थोड़ा सा फारफेच्ड होता है स्टिल फील बहुत एक्सपेंसिव है बट यू कैन गो विद द लुइस डियाज कीप हिम फॉर टू वीक्स एंड देन मे बी लुक एंड स्विच बहुत ज्यादा आपको ट्रांसफर बुक इन नहीं रिकमेंडेड होते हैं वाइल्ड कार्ड बट इफ यू हैव दोस ट्रांसफर्ड ऑलरेडी in the bank to have a definitely have a player like Luis Diaz for me personally I don't have any transfers left to thoda sa aur tricky ho jata hai because again ki to book in transfers abhi se hi in 2 weeks 3 weeks and again to we'll see ki wo mere wildcard draft mein aaya nahi hai but again Liverpool is the only place jahan pe main sabse zyada struggle kar raha hu in terms of my wildcard draft ki who to keep and who to prioritize so yeah ओके आई थिंक एक लास्ट टीम की बात करते हैं मनन बिफोर वी मूव ऑन टू योर वाइल्ड कार्ड ड्राफ्ट इनिशियल वाइल्ड कार्ड ड्राफ्ट एंड वो है मैन सिटी सवाल मेरा ये है आप दोनों से कि रॉड्री की इंजरी के बाद एंड आई थिंक इट्स वेरी हेल्पफुल कि पहले तीन मैचेस में भी नहीं खेला वो तीन चार मैचेस में तो रॉड्री की इंजरी के बाद फर्स्टली हाउ डू यू थिंक मैन सिटी विल बी अफेक्टेड डिफेंसिवली एंड ऑफेंसिवली एंड ऑल्सो लॉन्ग टर्म अगर आप देखोगे या फिर अगर आप लेट्स से नेक्स्ट 4, 5, 6 फिक्स्चर्स देखोगे विच आर वेरी वेरी गुड तो हालैंड के अलावा वुड यू कंसिडर एनी मैन सिटी प्लेयर ये आपसे सवाल है तो भाटे साहब आपसे शुरू करते रोड्री अगर टीम में नहीं है तो डेफिनेटली अटैक एंड डिफेंस दोनों अफेक्ट करेगा ही कंट्रोल से गेम हमें सबको पता है रोड्री कितना इंपॉर्टेंट है इवन तो पहले तीन गेम में नहीं था एंड मैन सिटी डिड वेल But you cannot ignore the presence of a player like Rodri, so a huge miss. Secondly, कौन से players benefit करते हैं? मेरे हिसाब से the three players जो benefit कर, Kovacic definitely खेलेंगे, the three player, but not really a fantasy option. Guardiola benefit कर सकते हैं, Stones benefit कर सकते हैं, as well as Rico Lewis benefit कर सकते हैं. So because all three of them have the potential to invert and play in midfield, it depends on Pep कौन से match में किसको खिलाते हैं. अगर वॉकर और ग्वार्डियोल खिलाते हैं तो आई थिंक ग्वार्डियोल इज द वन हु इज गोइंग टू इन्वर्ट इन मिडफील्ड अगर रिको लुइस और ग्वार्डियोल खिलाते हैं तो ग्वार्डियोल बिकम्स पार्ट ऑफ द बैक थ्री एंड रिको लुइस इन्वर्ट्स इन मिडफील्ड और रिको लुइस काफी आगे भी जाते हैं ही गेट्स इनटू द बॉक्स एज वेल सो लुइस स्टिल इज अ गुड पिक और स्टोन्स पहले तीन मैचेस में नहीं थे जब रॉड्री इंजर्ड थे दैट्स व्हाई लुइस हैड अ फ्री रन बट अभी स्टोन्स फिट है स्कोर्ड अ क्रूशियल गोल इन द प्रीवियस गेम But Stones is always known to be injury prone. So, कैसे use करते हैं Pep Stones को वो देखना पड़ेगा. I think City का attack is the more interesting option. High upside option. Savio अभी तक बहुत अच्छे लगे हैं. Gundogan मेरे लिए एक outside wild card shout हो सकते हैं. Differential, huge differential. Because he's starting games, number 8 position पे आगे जाते हैं, gets the chances. Foden is a mystery. क्या हुआ है उन्हें अभी तक पता नहीं. He's not getting the minutes. So, I think for now, Foden is a void. पर अटैक में अगर आप कंसीडर करोगे तो आई वुड प्रोबब्ली बी वन ऑफ सावियो और गुंडोगन बट बोथ आर रिस्की पिक्स कंप्लीटली एग्रीड आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल द रॉड्री सिचुएशन जब वो स्टार्टिंग में नहीं थे तब आई थिंक पेप प्रेफर्ड सॉर्ट ऑफ अ कोवाचिच रिको लुइस सॉर्ट ऑफ थिंग द इशू इज कि मुझे नहीं लगता है सॉर्ट ऑफ ज्यादा कि आई थिंक इट्स वन ऑफ स्टोन्स और रिको लुइस स्टोन्स मेंशन इन द लास्ट मैच आफ्टर स्कोरिंग द विनर की he was disappointed to be on the bench even after being fit and that is something jo stuck with me and he scored the goal and again full of confidence and to mujhe aisa lagta hai personally there's a situation wahan pe jahan pe Kovacic and Stones khel sakte hain but I still feel ki on a wild card kyunki again you have the option to cover your bench then an
स्पेशली फॉर दिस रन ऑफ फिक्स्चर्स अ प्लेयर लाइक रिको लुविस जो बहुत ही अगर वो उस पोजीशन में स्टार्ट करते हैं जो उन्होंने स्टार्टिंग के फिक्स्चर्स में किया था वी सॉ हिम कि वो एज ऑफ द बॉक्स पे रहते हैं एक बार उन्होंने पोस्ट भी हिट किया था ही मिस्ड अ बिग चांस अगेन सो आई स्टिल फील इफ यू वॉन्ट टू टेक थोड़ा सा रिस्क गो विथ रिको लुविस बिकॉज आई स्टिल फील ही इज द मोस्ट लाइकली कैंडिडेट कंसिडरिंग उसने ऑलरेडी वो रोल खेल लिया है एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन बट अगेन इट कुड बी अ लिटिल बिट रिस्की बट 4.7 मिलियन में अगर वो स्टार्ट करते हैं तो आई थिंक ही इज एन एक्सेप्शनल ऑप्शन अगेन गेम वीक 6 स्पेशली में सिटी का फर्स्ट फिक्स्चर है तो यू माइट गेट न्यूज रिलेटेड टू इट इफ रिको लुविस इज स्टार्टिंग और इफ ग्वार्डियोला इज यू नो प्लेइंग इन द अटैकिंग सॉर्ट ऑफ रोल अगर राइट इफ ही इज इनवर्टिंग आई थिंक थोड़ा सा उससे और आइडिया मिलेगा बट अगेन विद सिटी यू नेवर नो अगेन यू कांट ट्रस्ट इवन पेप उन्होंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था फोर्डन इज फिट टू प्ले 90 मिनट्स एंड देन ही डिडंट स्टार्ट राइट मतलब दैट वाज क्लासिक पेप अगेन सो बट आई लाइक गुंडोगन थोड़ा सा मैंने टिंकर किया है विद गुंडोगन इन माई वाइल्ड कार्ड जो हम आगे डिस्कस करेंगे बट आई स्टिल फील जस्ट हालैंड मैन उसके अलावा सिटी में एवरीवन इज अ रोटेशन रिस्क Yeah, I think I will recommend one player. और मुझे लगता है कि he was the player जो सबके ड्राफ्ट में था game week one में that's Guardiola. Because last 2-3 matches, especially last couple of matches, I have seen कि Guardiola is getting into those positions जहाँ पे वो पहले 2-3 weeks नहीं था. और especially against in the easier fixtures उनको और थोड़ा space मिलता है आगे जाने का. तो अगर Rico Lewis नहीं खेलते हैं especially और we have clearly seen कि there is no guarantee he will start. तो ग्वार्डियोला थोड़ा और आगे जाते हैं तो लास्ट मैच पे भी ही टुक अ लॉट ऑफ शॉट्स इवन अगेंस्ट इंटर मिलान ही वाज गेटिंग इनटू वेरी वेरी गुड पोजीशंस आई थिंक ही माइट ड्रॉप बिफोर द डेडलाइन 98% टाइप दिखा रहा है तो ही माइट ड्रॉप टू 5.9 ऑल्सो रिस्क है ऑब्वियसली बट इतना बड़ा रिस्क नहीं है जितना लग रहा है एंड फिक्स्चर्स आर ऑल्सो गुड तो ये एक ऐसा पिक है जो बहुत ज्यादा फैंसी था और अब लोग भूल गए इनके बारे में तो अगर आप वाइल्ड कार्ड कर रहे हैं तो प्रोबेबली वन टू कंसिडर एंड आई थिंक मेरा एटलीस्ट आई टेस्ट इन्होंने last 2 weeks में पास किया सो दैट इज अनदर ऑप्शन जो मैं भी अपनी टीम के लिए कंसीडर करूं बिकॉज़ अभी एक ब्लाइंड रश है टू गेट आर्सेनल प्लेयर्स बट सिटी आल्सो हैव गुड फिक्स्चर्स न्यूकासल अवे है फिर देयर इज फुलम वुल्व्स साउथहैम्पटन बोर्नमाउथ एंड ब्राइटन राइट दीस आर गुड फिक्स्चर्स या ओके सो माना लेट्स गो टू अ वाइल्ड कार्ड ड्राफ्ट राइट सो फर्स्टली जस्ट क्लेरिफाई कि दिस योर वाइल्ड कार्ड ड्राफ्ट और इज दिस अ रिकमेंडेड जनरल वाइल्ड कार्ड ड्राफ्ट This is more of a template wildcard draft, jo again the picks, we'll talk about it, aur kya options hai. But again, this is just basically, again, kafi change hoga abhi, ab se leke, and the beech mein cup matches bhi, I think. So, thoda sa again, but bahut different nahi hoga draft isse. Again, a lot of players, jo still abhi main bolunga, meri team mein bhi nailed hai, kafi hai is drafts mein. But let me start with the goalkeepers first. I've gone with Raya and... I still feel he is personally the best goalkeeper, set and forget. Again, jo run hai Arsenal ka from 9 to 12, I think, jisme wo Chelsea khel rahe hain against some difficult teams. So, I still feel usme Raya is still more playable than the two, agar aap Arsenal defenders ke saath ja rahe hain. And again, it cost 0.5, 0.4 million more to go with a Gabriel Saliba than a Gabriel Raya. Again, Gabriel to aapke team mein nail 100% hone chahiye, I still feel. लेस्टर के अगेंस्ट भी लेस्टर काफी सेट पीसेस पे स्ट्रगल करती है तो ही समवन जो डेफिनेटली मेरी टीम में लॉक है ट्रेंट अगेन इज लॉक्ड मैंने थोड़ा सा किया था टिंकर टू गो विद अ 3 प्रीमियम ड्राफ्ट इन साका हालैंड एंड लेट्स से सॉन बट आई स्टिल फील ट्रेंट जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं एट 7 मिलियन आई स्टिल फील इज चीप सो दैट इज गैब्रियल एंड ट्रेंट तो काफी नेल्ड है ब्रेंटफर्ड के फिक्स्चर्स के बारे में भाटिया साहब ने बात करी थी एंड दैट इज व्हाई आई हैव वन ऑफ पिनक एंड कॉलिंस में से किसी एक को अगेन बोथ पॉजेस थोड़ा सा गोल थ्रेट बहुत कम बट आई लाइक ब्रेंटफर्ड फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन एंड ही ब्रेंटफर्ड डिफेंडर्स दैट सॉर्ट ऑफ पिक जो आप यू कैन प्ले हिम इन गुड फिक्स्चर्स यू कैन बेंच देम इजीली इट डजंट अफेक्ट Rico Lewis पे हमने बात करी ली है आई स्टिल फील एट 4.7 मिलियन ही प्रोवाइड्स ग्रेट वैल्यू एंड देन देयर इज ग्रीव्स जो इप्सविच के 4 मिलियन डिफेंडर हैं इप्सविच के भी फिक्स्चर्स फॉर लॉन्गर रन बहुत अच्छे हैं तो आई जस्ट हैव हिम इसके अलावा अदर ऑप्शंस आर डंक जो भाटिया साहब ने स्टार्ट में मेंशन किया था ब्राइटन डिफेंडर्स जो काफी अच्छा रोटेट करते हैं विद ब्रेंटफोर्ड डिफेंडर्स तो अगेन
आई फील ब्राइटन डिफेंडर्स एंड मे बी मिकोलेंको सॉर्ट ऑफ अ पिक जो 4.1 मिलियन या 4.2 मिलियन है काफी चीप है एंड इफ ब्रेथवेट इज बैक राइट एवर्टन के फिक्स्चर्स बहुत अच्छे हैं कि आप लेके एज अ चीपी ऑप्शन और आप रख सकते हैं लेट्स इन प्लेस ऑफ अ रिको लुइस एंड देन यू हैव दैट 0.5 मिलियन मोर टू स्पेंड ऑन योर अटैक इफ यू वांट टू सो दीज आर द सॉर्ट ऑफ ऑप्शंस जो डिफेंस में मैंने कंसीडर किए एनी कमेंट ऑन द डिफेंसिव लाइन फर्स्ट आई थिंक काफी सेफ ऑब्वियस डिफेंसिव पिक्स है ट्रेंट गैब्रियल पिक देमसेल्व्स ग्रीव्स 4.0 के लिए प्रोबेबली बेस्ट पिक है कॉलिंस और लुइस की जगह आप आई थिंक कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से बट नथिंग टू कंप्लेन इन टर्म्स ऑफ दिस डिस्पेंस या रक्षित यू माइट हैव आई हैव समथिंग टू कंप्लेन फर्स्टली मतलब पर्सनल चॉइस है बट मुझे राया इतना पसंद नहीं है आई एड रादर गो फॉर 3 आर्सेनल आउटफील्ड प्लेयर्स अगर मेरे को लेना और आई ट्राई गेट 2 डिफेंडर्स इन मुझे लगता है कि रिको लुइस इज परपेचुअली गोइंग टू बी अ डाउट राइट एंड अगर आपके बाकी दो डिफेंडर्स जो आप जिन पे रिलाय कर रहे हो आर एक इप्सविच और एक ब्रेंटफोर्ड डिफेंडर तो थोड़ा सा मेरे लिए कंसर्निंग है बिकॉज ब्रेंटफोर्ड को मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ क्लीन शीट्स के लिए चाहे अच्छा फिक्सचर हो या नहीं हो दे हैव कंसीडेड अ लॉट ऑफ चांसेस तो चाहे कोलिंस हो या चाहे पिनक हो मैं तो ट्रस्ट नहीं करूंगा इन्हें देन यू आर रिलाइंग ऑन अ 4.0 इप्सविच पेयर तो मेरे को लगता है कि एक थर्ड डिफेंडर पोजिशन में एक वीकनेस है एवरी वीक जो रहेगी सो आई डोंट लाइक दैट पर्सनली एंड राया पे आई हैव मेड एटलीस्ट माय स्टांस क्लियर एंड मतलब मुझे लगता है कि इज अ वेरी गुड ऑप्शन बट मुझे लगता है कि ही अगर आपको मैक्सिमाइज करने अपने आर्सेनल के रिटर्न्स तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा अटैकिंग मूव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ गोइंग विद सम आउटफील्ड प्लेयर्स But as a big question, as a United fan, how is Mazraoui as a pick? Again, United ke fixtures from game week 9 bahut acche hain. He's 4.6 million. Attacking hai thode. Achhi positions mein arrive kar rahe hain. So what is your opinion, let's say, for a in place of a Rico Lewis, a sort of a Mazraoui pick or a, in place of Collins? Mazraoui, good player. Started well. United career achha khel rahe hain. But going forward, minutes kitne secure hai. Agar Luke Shaw zindagi mein kabhi fit hota hai, toh pata nahi. So, अगर फिट होते हैं तो डालो या मजराओं में से एक ही खेलेंगे माय एस्टिमेशन पर जब तक सॉरी इंटरप्ट बट टेन हाग ने भी बोला कि अक्टूबर इंटरनेशनल ब्रेक से पहले नहीं आएगा शो सो दैट इज आफ्टर 1 वीक दैट इज 1 दैट इज आफ्टर 1 वीक हां या 2 वीक्स 2 गेम वीक्स हां मतलब 2 वीक्स तक ही कुड बी सेफ बट आई थिंक उसके बाद ही यूनाइटेड के फिक्स्चर्स अच्छे होंगे उसके गेम वीक 9 से अच्छे हैं So if you're looking at a United defender, I would suggest Dalot or Dilit. Dilit is a monster from set pieces. I would not be surprised 3 or 4 goals marenge season Dilit. Really good from set pieces. Dalot minutes nailed hai, attacking threat hai. I know dono 5 million ke hai, but agar aapko United defense mein jana hai, I think we've kept 3 clean sheets out of 5. Yeah, you have, yeah. Yeah, so maybe you look at them, but Mazraoui cheap option, but long term minutes cut out. Fair. I think Dilit is a good shout. I have 0.5 million in the bank in this draft. So again, I can certainly upgrade a Rico Lewis to a Dilit, and I like him as an option with the further run coming up. Let's go to midfield. I think again 2 picks jo are fairly nailed, and we have already talked about them is Saka and Mbeumo. I think Mbeumo is a season keeper from here and now, and I'm very very happy to own him now. Season keeper. I still feel at least. नहीं, I still season feel, yeah, you know my love for Mbeumo, man. ठीक है. He's the talisman. So, now you have to keep him for the whole season. No. ठीक है. Agreed. He's injured, obviously. But you will not drop him. You will not drop him. For sure. No. He's a season keeper, man. Again, Saka. We have already talked about it. And again, Rodgers is someone I'll keep. Again, Aston Villa ke mixed fixtures hai, but you can easily bench him. 90-minute man. 90-minute man again. He's starting every week. Might chip in with an assist in 5 game weeks or 4 game weeks. That's okay. But he is 90-minute man. Chip in. Yeah. So, what are your thoughts on Eze though? Like, Rakshit, you are an Eze owner. Bhatia Sahib, you also brought him in. Like, would you still go with him on a wildcard? Because that is a space where, you know, there's options like Madison. I still like him. There's obviously Luis Diaz. Again, he's someone who is obviously the main player jo Eze wali position mein I think can come in. So what are your like thoughts on
एज ए कीपिंग एज ए और स्विचिंग टू लुइस डियाज और समवन लाइक दैट एट दैट स्पॉट? मैं पहले आपको मैं आंसर करता हूं, बट ब्रेंटफोर्ड का गेम वीक 18 में से लेकर ब्राइटन, आर्सेनल, सिटी, लिवरपूल, पैलेस और टॉटनहम जो रन है उसमें यू विल डेफिनेटली कीप ब्रायन एम्बोमो बेसिकली, एंड यू हैव टू कीप हिम नाउ, यू हैव टू कीप हिम नाउ, नहीं निकालोगे ना? दैट्स और अगर अगर तुमने निकाला तो क्या? तो कुछ नहीं, नहीं निकालूंगा. चोपड़ा साहब, फॉर फ्यूचर रेफरेंस ये पार्ट क्लिप कर देना, ट्विटर पे डाल. प्लीज टू, प्लीज. या आई मीन देयर इज समथिंग नीड्स टू बी एट स्टेक ना आपके. नहीं, आई एग्री, आई एग्री. पार्टी साहब, 100 रुपए 100 रुपए भेजने पड़ेंगे. जितने गेम भी को मेरी टीम में नहीं होगा आपको 100 रुपए भेजो. ठीक है. ओ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डन है. ठीक है, या तो पैसे मिलेंगे या तो मरन का रैंक खराब होगा. चलो, एक चीज तो हो गई. इट्स अ विन विन. बट ऑन यार, सो हां, तो ऐसे पे क्या बोलूं, ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंट्रीगिंग पिक्स. मतलब अगर किसी के टीम में नहीं है तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, किसी की टीम में है तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है. कोई अगर इसे टीम में ला रहा है मुझे प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसे निकाल रहा है मुझे तब भी प्रॉब्लम है. इज एन एनिग्मा, समझ ही नहीं आ रहा व्हाट इज एवरेजी एज ए दिस सीजन, बिकॉज ही इज गेटिंग इनटू गुड पोजीशंस, ही इज क्रिएटिंग चांसेस. ये एक ऐसा बंदा है जो रूटीनली बिग चांसेस क्रिएट भी करता है और मिस भी करता है और स्कोर भी करता है. तो ही इज केपेबल ऑफ डिलीवरिंग ह्यूज हॉल्स. एंड वी सॉ सबसे इंटरेस्टिंग चीज आई थिंक व्हिच हैपेंड इज कि मार्टेटा गॉट टेकन ओवर हाफ टाइम, right? Because Glasner was not very happy with his team's defensive structure against United. And I think interesting part ye tha ki usne Nketiah ko field pe rakha aur Mateta ko hata diya. And I don't think there was some injury, right? It was a tactical. Yeah, it was a tactical. So yeah. At least for that half, we were very sure ki Eze penalties pe hai. And agar let's say Mateta pe phir bhi trust thoda sa waver karta hai Glasner ka, to haan, Eze is the reliable option from a penalty point of view also. So, मैं तो फिर भी यार मैं तो फेवर में ही हूँ. अगेन जो रॉजर्स के साथ बोला था एजे के साथ भी बोलूंगा. फिक्स्चर्स आर देयर, स्टैट्स आर देयर, आई टेस्ट इज देयर. इट इज जस्ट अबाउट कन्वर्टिंग दोज चांसेस नाउ. एंड आई थिंक ही इज टू गुड अ प्लेयर टू यू नो बेट अगेंस्ट. तो मुझे लगता है ही विल कम गुड. व्हाट अबाउट लुइस डियाज ऑन द स्पॉट, लाइक व्हाट डू यू फील द 1 million अपग्रेड? अगेन मुझे उसके लिए एटलीस्ट 0.5 कहीं से निकालने पड़ेंगे. मनी के ऊपर यार क्या बोलूं. अगर आप अपनी टीम में लेट्स से ट्रेंट, हालैंड और आर्सेनल डिफेंस रख रहे हो डबल, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप साका एंड एम्बुएमो एज़े के साथ लुइस डियाज. इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. और सो एज़े एम्बुएमो में से एक सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपको, डियाज लाना है एंड मेबी सैक्रिफाइस समथिंग इन डिफेंस आल्सो. एम्बुएमो तो करेगा नहीं, एम्बुएमो तो कर नहीं सकता, करेगा नहीं, ऐसे लग जाएंगे तो एज़े. या लुइस डियाज एज अ पिक इज वेरी, अगेन थोड़ा सा pinch of salt के साथ देना पड़ेगा. The thing is, he has only lasted more than 65-70 minutes once this season. उससे पहले ही हमेशा he has been substituted at. Again, मेरे को लगता है कि he is a pick जिसके बारे में हम minutes के बारे में बात करते रहेंगे और वो गोल मारता रहेगा. जाता रहेगा यार. और हम overthink कर करके बोलेंगे नहीं यार, नहीं यार, नहीं यार. अभी भी कोई consider नहीं कर रहा लुइस डियाज. I'm pretty sure आपके draft में नहीं होने वाला. I'm pretty sure वार्डियस आप भी उसे consider नहीं कर रहे हैं. Yeah, 3 double exactly. digit hauls and in 5 games. And he keep punishing, and that is why people got like 90 points by this bar. Yeah. 85, 90, all those people like Luis Diaz, right? Yeah. That was the difference. So, I'm fine with both. If you can afford it, then Luis Diaz, I'll prefer. I guess, yeah. But yes, have you agree? Afford it and open to a transfer in 2-3 weeks, yes. But nothing wrong with aise, yaar. Chopra saab ne bataya, rakho, nahi rakho. Sab sahi option hai, kuch sahi galat nahi hai isme. बट ये है कि क्वालिटी है प्लेयर में, चांसेस क्रिएट करता है, स्कोरिंग पोजीशन में आता है. आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड ये हफ्ते डबल डिजिट हॉल आया तो. एंड आई एम नॉट सेइंग वन रिटर्न डबल डिजिट हॉल आ सकता है, इतना अच्छा ब्रेथवेट बैक. अगर लेट्स से इफ ही इज बैक, यू रेट हिम अ लॉट. ही इज नॉट मालडिनी, राइट? या इवन इफ मालडिनी वाज आउट फॉर 3 मंथ्स एंड वो आ रहा होगा तो मैं फिर भी एज़े को बैक करूंगा. एग्जैक्टली, एज़े ग्रेटर देन मालडिनी. ओके, कुछ मैजिकली इंप्रूव नहीं हो जाएगा डिफेंस. Okay, fair. And on the last spot, Smith Rowe, very happy to own him again. But the thing is, there's a 2-week punt in Semenyo just being like there. He has very, very good fixtures. I think it's Leicester and Southampton at home, two of the worst teams in the league. Obviously, he has been very good this season. Aapne bola tha, Bhatia saab, ki he scored an offside goal as well in the last match.
taking like what on averaging 4 to 4 shots a game from outside the box, edge of the box. He doesn't get a lot of big chances, but again, he is someone who is an option at that price, again, same price as Smith Rowe. Who do you prefer between those? And Smith Rowe is more of a longer term pick. With Semenyo, those target those two fixtures or prefer a player with longer fixtures? Yeah. भाई बहुत अंग्रेजी बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा मुझे, सॉरी. मैं थोड़ा हिंदी में बात कर लेता हूँ. तो मेरे वाइल्ड कार्ड में मैंने यही गलती की, मैंने स्मिथ रो को निकाल के सेमेन्यो लाया. तो आई थिंक मैं अच्छे पोजीशन में इस बारे में बात करने की. स्मिथ रो सेफ पिक है, लॉन्गर टर्म पिक है, बट यही है. हमें आई थिंक थर्ड गेम में उनके क्या बोलते हैं शॉट्स इतने नहीं थे एंड ही वाज नॉट इन द गेम, बट लास्ट टू गेम्स रिटर्न आया है तो स्मिथ रो अभी अच्छे लग रहे हैं. बट अगेन यही है, दो ब्लैंक्स आ जाएंगे तो यू विल अगेन वरी अबाउट इट. इट्स थोड़ा रिसेंसी बायस, प्लेयर बहुत अच्छे हैं. गेम वीक वन में मेरे भी टीम में थे, हमने बोला भी था एलीट फिनिशर है. बट सेमेन्यो यार अगेन सिमिलर टू रॉजर्स, रॉजर्स से बेटर नंबर्स है सेमेन्यो के. रॉजर्स वाज जस्ट वेरी गुड ऑन द आई, सेमेन्यो एक्चुअली हैज अ डेटा 4-5 शॉट्स ए गेम एंड राइट फ्रॉम गेम वीक वन. और अगर आप बोर्नमथ के फिक्स्चर्स देखोगे, दे हैव नॉट बीन द इजीएस्ट, दे हैव प्लेड लिवरपूल, दे हैव प्लेड न्यूकासल. तो आई थिंक ही इज समवन हु इज वेटिंग टू इरप्ट. और सेमेन्यो ऐसा है कि दो गोल मार सकता है, गोल स्कोरिंग ऑप्शन है. तो कांट गो रॉन्ग, बहुत हाई है, सीलिंग बहुत हाई है. ही कैन एक्सप्लोड, ही कैन रियली एक्सप्लोड. मैं उसी होप में लेके आया था, होपफुली नेक्स्ट दो गेम में एक गेम ऐसा हो कि डबल डिजिट आए, आ सकता है. बट देयर इज नथिंग रॉन्ग कि अगर आपको स्मिथ रो को बैक करना है, यू कांट रियली गो रॉन्ग विद दैट. सेफ ऑप्शन है, शुड टेक अलोंग विद अ गोल एंड असिस्ट एवरी अदर वीक. रक्षित, मेरे को पर्सनली लगता है कि सेमेन्यो माइट बी अ ट्रैप. लाइक आई एम नॉट वेरी श्योर कि इफ ही इज वर्थ अ 2-week पंट और नॉट, बिकॉज़ 2 weeks है. And then he has very difficult fixtures, right? Let me check. So, अगर आप देखोगे, after Southampton, Leicester, they have Arsenal, Villa and City एक साथ, 3 matches. Yeah. और मुझे definitely Semenyo नहीं चाहिए. So, when you wildcard, आप you obviously make a long-term team. So, what you have to ask yourself is कि are you going to bench Semenyo or not for those 3 fixtures? क्या आपके पास bench पे cover है Semenyo के लिए अगर आप उसको bench कर रहे हो? क्या आप सेमेन्यो को ट्रांसफर आउट करोगे? डू यू वांट टू वेस्ट अ ट्रांसफर ऑन सेमेन्यो? डू यू थिंक देयर आर अदर मूव्स यू रादर मेक? और वुड यू रादर हैव अ प्लेयर लाइक स्मिथ रो हु विल कीप टेकिंग ओवर ओवर दोस 5 वीक्स? तो क्या सेमेन्यो से आपको 2 weeks में वो रिटर्न्स मिलेंगे जो मे बी आपको सस्टेन कर सकते हैं ओवर अ 5-week पीरियड या 3-week पीरियड या 4-week पीरियड, स्पेशली इफ यू डोंट प्लान और डू प्लान टू सेल हिम? सो दैट दीज आर द क्वेश्चंस यू शुड आस्क. एक सेमेन्यो एग्जिट प्लान बेसिकली होना चाहिए. एंड मतलब अगर आपके पास, अगर भाटिया साहब फॉर एग्जांपल लाए हैं, उनका 2 weeks हो गए वाइल्ड कार्ड करते हुए, इट्स फाइन. बट फ्रेशली जो लोग वाइल्ड कार्ड कर रहे हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर. एंड ऑल्सो बोर्नमथ के साथ मुझे लगता है कि थोड़ी टीम हिट एंड मिस नहीं है. आई लाइक द टीम, बट कौन सा प्लेयर किस मैच में अच्छा करेगा वो थोड़ा हिट एंड मिस है. सो यू हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स यार, यू हैव क्लाइवर्ड, यू हैव इवन एलिसन, ऑब्वियसली उनका न्यू स्ट्राइकर है, यू हैव टैवर्नियर हु इज डूइंग सो बैड. चाहिए. सोलंकी पे मुझे थोड़ा सा एक पंट करना है. मुझे अच्छा लगा, एवरीथिंग वाज गोइंग थ्रू हिम इन द लास्ट मैच. फिक्स्चर्स बहुत अच्छे हैं इन द लॉन्गर टर्म. ही हैड 1.61 एक्सजी लास्ट गेम में, मिस्ड आई थिंक 2 or 3 बिग चांसेस. एंड देन वो एक चीप स्पॉट जहाँ पे अभी मेरी टीम में कैल्वर्ट लुइन है, बट इट कैन बी क्रिस वुड. आई विल हैव टू चेक कि अगेन मुझे किस प्लेयर के साथ जाना है, बट मुझे ऐसा लगता है मैं मोस्ट लाइकली कैल्वर्ट लुइन के साथ ही जाऊँगा. I still like him. Penalties पे 90 minutes खेलते हैं, बहुत ज़्यादा involved होते हैं in the goal scoring for Everton. तो again, this is the wildcard draft and these are the picks. Yeah. Yeah, I like the Solanke move. Once again, हम कुछ players जाते हैं game week one में and कभी-कभी नहीं चलते हैं for whatever reason and then we refuse to go back to them. जैसे Guardiola के साथ मुझे लगता है Solanke might be another option जो एक potentially बहुत ही अच्छे option हो सकते हैं. And आगे हम predictions में देखेंगे कि United Spurs में we have bad goals this week as well. So
He is the one जो goal scoring chances हर जगह से जिनको मिल रही, that's for sure. Yeah. कितने clinical होके कितने convert करते हैं, we'll have to see. But I like that shout. Calvert-Lewin पे मैं ज़्यादा sure नहीं हूँ, तो भाटिया साहब मैं आपके पास आऊँगा. What is your opinion on the Calvert-Lewin transfer move? I think थोड़ा sheep pick है, very popular on social media. Fixtures है definitely, but he's not the player that he was 3-4 years back before his injuries. तभी बहुत अच्छे player थे. और एवर्टन बहुत अच्छे फिक्स्चर्स में, आर यू एक्सपेक्टिंग देम टू स्कोर 2 गोल्स एवरी गेम? अगर वो 2 गोल मारते हैं तो आप शायद 1 रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे कैल्वर्ट-लुईन से. बट वही है, इफ यू मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस, पेनल्टीज पे डेफिनेटली है. इफ ही स्टेज फिट इज नॉट रियली अ बैड ऑप्शन, बट आई थिंक क्रिस वुड स्लाइटली बेटर ऑप्शन है. डैनी वेलबैक मैं बोलूंगा, आप मानोगे नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा डैनी वेलबैक. अगर आप रख रहे हो तो मैं ओरा से फील्ड ले आऊं. ये हफ्ते तो रख रहा हूँ भाई पक्का. ये खिलाऊंगा कि नहीं पता नहीं, बट वर्ल्ड बीटर पक्का स्कोर कर रहा है चेल्सी अगेंस्ट पक्का. आल्सो एक ऑप्शन वी हैव नॉट डिस्कस्ड इज जैक्सन, जो काफी लोगों की टीम में इन प्लेस ऑफ सोलंकी. मैं बोलने वाला था, या यू कुड कंसीडर जैक्सन. नेक्स्ट 2 फिक्स्चर्स अच्छे हैं, बट चेल्सी ने थोड़ा होम पे स्ट्रगल किया है. लास्ट वीक मैं सोच रहा था जैक्सन के बारे में, डिडंट गेट हिम इन, स्कोर 2 गोल्स दिस वीक, एंड वो देख के थोड़ा बुरा लगा कि अच्छे पॉइंट्स मिल सकते थे. बट वेलबेक ने एक मार दिया फिर ठीक लगा, पर एक ही मारा बट ठीक है. बट जैक्सन ग्रेट पिक, आई थिंक अभी भी काफी लोली लो ओन्ड है, बहुत बड़े डिफरेंशियल है. आई थिंक अगर आप और बाकी जगह पे ट्रांसफर्स यूज नहीं करने वाले हो, यू कैन स्टार्ट विद जैक्सन एंड मूव टू सोलंकी इन 8 आल्सो इन नेक्स्ट 2 गेम वीक्स. या 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 ठीक है. या आई थिंक जैक्सन एक पॉइंट है बस कि आई डोंट थिंक एनी वन टीम विल डिफेंड लाइक वेस्ट हैम डिड. या एब्सोल्युटली अट्रोशियस मैन. Also the next wow. 2 fixtures जो आप बोल रहे हो, Forest and Brighton, अगर आप उनके defensive numbers देखोगे तो बहुत अच्छे हैं, उसके बाद उनका run खराब है. तो I still feel यार Forest yes, but Brighton इतनी खास नहीं लगी defensively. Yeah Brighton, okay. Brighton भी decent लगी है defensively. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि on paper ज़्यादा better fixtures ऐसे लग रहे, but इतने हैं नहीं मुझे ऐसा लगता है. But Chelsea का attack काफी मतलब intriguing है पूरा game. क्या बोलते हैं, they just try to play around the ball but अचानक से big chance आ जाते हैं. so that is how it is with Chelsea. So if Jackson couple of big chances or clinical है, he is finishing very well unlike last season. So एक दो chance आ गए तो every goal is basically a bonus return with Jackson. So could be a good pick, could be a trap. We'll wait and see. मरन, दो बहुत ही पॉपुलर प्लेयर्स हैं विद वेरी गुड फिक्स्चर्स इन द फॉरवर्ड कैटेगरी जिनका नाम ही लिया है, वो है हावर्ड्स और वॉटकिंस. लाइक इफ पीपल गेट हावर्ड्स और वॉटकिंस इन देयर टीम्स तो बिल्कुल बिल्कुल इशू नहीं है. सो व्हाट इज योर ओपिनियन कि हावर्ड्स वॉटकिंस क्यों नहीं है आपकी टीम में, एंड बहुत वुड यू हैव अ प्रॉब्लम इफ लाइक पीपल ब्रॉट देम इन? नो डेफिनेटली नॉट. अगेन जो हमने ट्रिपल आर्सेनल अटैक की बात, मतलब दो आउटफील्ड प्लेयर की आपने बात करी थी कि एक डिफेंडर लेके, इफ यू थिंक कि आर्सेनल 3 मैच में लेट्स से 10-12 गोल मार देगी, गो फॉर हैवर्ट्स. अगेन द सबसे बड़ा इशू विद हैवर्ट्स एंड वॉटकिंस इज उनका प्राइस. अगेन थोड़े से रिलेटिवली एक्सपेंसिव है. अगेन मेरे पास ऑप्शन है, आई कैन गो फॉर, मेरे पास 0.5 million है. इफ आई डाउनग्रेड राया टू अ फ्लेकेन तो मैं इजिली सोलंकी टू हैवर्ट्स जा सकता हूँ, या इवन काल्वर्ट-लुईन टू आवर्ट्स. आई हैव टू चेक, बट अगेन बस प्रॉब्लम वही है अगेन कि वो बहुत एक्सपेंसिव एसेट्स है. एंड अगेन मुझे अगर लेट्स से इसमें वॉटकिंस फिट करना है तो डेफिनेटली मुझे एज ए टू सेमिनियो सॉर्ट ऑफ करना पड़ेगा, या मुझे ट्रेंड को डाउनग्रेड करना पड़ेगा. वो सैक्रिफाइस अगेन अगर आपको लगता है कि लेट्स अगर आप ट्रेंड के साथ नहीं जा रहे हैं, देन यू कैन इजीली अफोर्ड अ वॉटकिंस और अ हैवर्ट्स, राइट? अगेन थोड़ा सा प्राइस का इशू है इफ यू आस्क मी. वो दोनों डेफिनेटली बेटर पिक्स हैं. वॉटकिंस बहुत अच्छे दिख रहे हैं अब, अगेन बैक टू फिटनेस. अब तो मैच खेल भी रहे, डूरान उनकी जगह नहीं आ रहे हैं, ही स्टेइंग ऑन द पिच. तो अगेन बट द ओनली इशू इज द प्राइस. अगेन द वे इट्स द प्राइसिंग हैज बीन डन इस सीजन, बहुत मुश्किल है टू गेट एवरीवन इन. Vardy साहब, यू आर अ बिग फैन ऑफ काई हावर्ड्स, हमेशा जब मौका मिलता है आप टीम में लाते हो. आर यू फीलिंग इट विद हिम फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स या नहीं? आगे मेरी टीम देखेंगे. आई हैड द ऑप्शन ऑफ गेटिंग हिम इन. यार नेक्स्ट 2 फिक्स्चर्स ही कुड डेफिनेटली डू वेल, इजीली 10 पॉइंट्स आ सकते हैं. वी वुड नॉट बी सरप्राइज्ड आर्सेनल 3+ गोल्स इन दोनों गेम मारे, इवन इफ ही इज प्लेइंग इन मिडफील्ड. बट लॉन्गर टर्म आई थिंक you have options like Solanke, even Jackson is firing, Watkins is firing, बहुत सारे replaceable options हैं. So जितना मैं hot था start of the season, उतना नहीं हूँ, especially seeing his position change और Gabriel Jesus को minutes मिल रहे number 9 पे.
So that is slightly disappointing, but Havertz is still a good pick. Itna aisa nahi hai. For 8 million, he's still good value. He's not 9 million like Watkins. You save a million there. So still a good pick. And you still expect Arsenal to score in all the games. They scored against City away. You will expect Arsenal to score in all the games. And Havertz is someone who 90 minutes khelta hai. So again, you can't go wrong. I think we have seen ki jab tak Odegaard nahi hai, Arteta will play Havertz in midfield and he will rotate Trossard and Jesus up front. Yeah, so exactly. I don't think ki hame aisa kuch dikhega ki Havertz ko aap number 9 dekhenge jab tak Odegaard nahi. Yeah. Fair. Okay guys, let's quickly move along because we've taken 50 minutes. My God. So let's quickly talk about chances conceded. Manan, very briefly explain kya hota hai yaar ye. Basically kuch nahi hota, bahut simple hai. दो बॉक्सेस हैं एंड एरोस बने हुए, नंबर्स बने हुए हैं. ये सिर्फ आपको बताते हैं कि एक टीम ने पूरे सीजन में सबसे ज्यादा चांसेस कहाँ से कंसीड करी. अगेन थोड़ा सा ये आपको हेल्प करता है इन पिकिंग द राइट प्लेयर्स जो उस पोजीशंस में ऑपरेट करेंगे. स्टार्टिंग विद न्यूकासल वर्सेस मैन सिटी, आपको दिख सकता है कि न्यूकासल ने अपने मिडल से 24 चांसेस, अपने लेफ्ट से 25 चांसेस एंड राइट से 18 चांसेस. अगेन अगर लेट्स से अ प्लेयर लाइक फोडन हमें पता पड़ता है स्टार्ट कर रहे हैं ऑन द राइट फ्लैंक, ऑन द फॉर सिटीज राइट फ्लैंक, तो मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली आई विल ट्राई टू गेट हिम इन. मुझे अगर न्यूज मिलती है, अगेन फोडन बहुत एक टेम्पटिंग ऑप्शन है. द गुड थिंग इज जो लास्ट मैच में मैं सिटी का फॉलो कर रहा था एंड उसमें फोडन बहुत सेंट्रली खेल रहे थे अगेन, तो मुझे ऐसा लगता है राइट सेंट्रल पोजिशन में ऑपरेट कर रहे थे जो उनकी बेस्ट पोजिशन है. तो अगेन हालैंड कैप्टेंसी ऑब्वियसली मेरे लिए तो लॉक्ड है, हम कैप्टेंसी की बात करेंगे, बट फोडन इससे मुझे थोड़ा सा लगता है कि एक अच्छा टेम्पटिंग ऑप्शन हो सकता है. उससे ज्यादा तो मैं बोलूंगा कि यार इफ यू हैव रिको लुइस बाटिया साहब, अगर वो राइट बैक खेलते हैं तो वो इफ ही स्टार्टिंग तो ही बिकम्स अ रियली गुड ऑप्शन. सो इनके पास रिको लुइस है और अगर वो स्टार्ट करता है व्हिच इज कैन बी लाइकली बिकॉज वॉकर हैड अ शिट शो अगेंस्ट आर्सेनल, तो दैट इज ही बिकम्स अ वेरी गुड ऑप्शन. हालैंड कैप्टेंसी अगेन 24 चांसेस थ्रू द मिडल. सेविनियो की बात कर रहे थे हम, मनन यू वर कंसीडरिंग इन अ वाइल्ड कार्ड अराउंड 6.5 कैटेगरी, सो By chance, अगर आप उस पे ऐसे की जगह लाना चाहते हैं तो इट्स अ वेरी गुड शॉर्ट टर्म पंट. पीपल हैव नॉट बीन कंसीडरिंग, ही कुड डू एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. लॉयड के लिए लुइस हॉल दोनों बहुत वीक है लेफ्ट बैक पोजीशन पे, तो इट्स वेरी क्लियर. डैन बर्न इज स्ट्रगलिंग, सो जो पूरा लेफ्ट हैंड साइड है न्यूकासल अटैक का, देयर डिफेंस का, दे आर रियली स्ट्रगलिंग. एंड न्यूकासल ने फुलम के अगेंस्ट 5 या 6 बिग चांसेस कंसीड कर दी अगेंस्ट फुलम, सो अगेन दे हैव बीन टेरिबल डिफेंसिवली. Yeah, absolutely. If someone had Isak Bhatia, sir, would you sell him, bench him, or start him? Ship him. Sorry, Bhatia. Yeah, I think I would sell him. आगे के fixtures मुझे पता नहीं Newcastle के क्या है, but Watkins, Havertz, Jackson, Solanke probably better options. चार options हैं और cheaper जाओगे तो और पैसे बचा सकते हो. But Newcastle they don't look like the attacking unit of last season. जब हमने double up किया था. But उतना sharpness नहीं है attack में. Something is not clicking. Even though they have Joe Linton back, but कुछ तो है कि last season जैसा attack नहीं है. I think he's an easy sell. Value भी 8.3 हो गई है. So you're losing money on him as well. बहुत easy switch है from Isak to Havertz. Direct swap. Yeah. So, yeah. Fixtures are also not that great. City, then Everton away, Brighton, Chelsea, and Arsenal, and then Forest. Yeah. So I think that's definitely a clear sell. Yeah. Yeah. Brentford versus West Ham, these are two teams जिन्होंने बहुत chances concede करे, बहुत ज़्यादा. तो I'll be surprised अगर इस match में clean sheet आती है. भाटिया साहब things में भी आ सकती है, but बहुत chances concede करी है. So I don't think कि Brentford में कुछ बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं. Obviously Bowen is always a great option West Ham के लिए, but अगर आप West Ham के chances conceded देखेंगे मनन, so considering कि 15 from the left करी है जो seems to be the stronger flank, does that put you off Mbeumo by any chance? बट जो मैंने देखा था इन द लास्ट मैच, एम्बुएमो ज्यादा राइट सेंट्रल की जगह सेंट्रल था एंड मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज बिकॉज़ ब्रेंटफोर्ड मतलब अगेंस्ट टफर टीम्स दे गो फॉर अ 5 एट द बैक एंड उसकी वजह से एम्बुएमो इज सेंट्रल, बट 3 अप फ्रंट में ही विल बी ऑन द राइट. कुड बी बट अगेन ही इज दैट सॉर्ट ऑफ प्लेयर जो सेट पीसेस पे है हर चीज में, एंड अगेन वो राइट विंगर सॉर्ट ऑफ ऑपरेट नहीं करते, राइट सेंट्रल चैनल में करते हैं. तो आई स्टिल फील कि ही विल गेट द चांसेस. और वेस्ट हैम ने जैसे डिफेंडिंग करी है इस सीजन अभी तक, इफ यू रिमेंबर लास्ट सीजन भी जब हम चांसेस कंसीडर्ड की बात करते हैं रक्षित, थ्रू द मिडल वेस्ट हैम ने लास्ट सीजन भी सबसे ज्यादा चांसेस कंसीडर करी थी एंड द ट्रेंड अभी भी वही है.
तो देयर इज समथिंग जो सेंट्रली बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है वेस्ट हैम, एंड दैट इज वेयर मेरे को लगता है एम्बोमो स्टिल बहुत एक अच्छा ऑप्शन है. बट ऐसा एनी अदर ब्रेंटफोर्ड एसेट एक्सेप्ट एम्बोमो यू वुड कंसीडर, मतलब अगर डिफेंस की बात ना करें तो फाबियो कार्वालियो, लुइस पॉटर, शेड केविन शाडे और समवन. Shade, yaar, abhi tak, I expected him to start the last game, but he didn't, so not very hot on Shade at the moment. Carvalho, great pick. I think creative option rahenge, assist kafi de sakte hain. And Lewis Potter as a wing back, agar, if they still continue, otherwise he could even play the front three. Maine kahin to padha tha ki he could play in the front three, toh ek bahut hi interesting option ho jate hain Lewis Potter as well. Aur Brentford ke humne dekha long term fixtures acche hain, toh agar aapko ek cheap punt lena hai, I think both are under 5.5, so you could probably go there as well. Absolutely. Okay, let us go to Wolves versus Liverpool. हमने बात करी थी Newcastle की मनन, but this is also a team in Wolves who are getting battered, man, from all over the pitch. I think the big takeaway is not कि कहाँ से इन्होंने चांस कंसीड करी है, but the volume of chances जो इन्होंने कंसीड करी है. 23 through the middle, 21 in left side and 20 from their right. उनके main defender Mosquera को भी injury हो गई है MCL, so he's also out for at least 2-3 months. Man, this could be a great match for every Liverpool player which you have. Robertson, Luis Diaz, Diogo Jota, Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold, jo bhi aapne liya hai, they could all go big. Yeah, that's the biggest worry agar aap wildcard pe Liverpool attacker ke saath nahi ja rahe, because again, and aisa lag bhi nahi raha ki Wolves improve kar rahi hai, aisa lag raha hai wo aur buri hoti ja rahi hai, right? And I still feel Liverpool, I can see easy 3 goals in this match, जिसमें मुझे ऐसे personally मुझे ऐसा लगता है कि साला, लुइस डियाज, रॉबर्टसन, ट्रेंट सब बहुत अच्छे ऑप्शन है. अगेन हम कैप्टेंसी की बात कर रहे हैं तो साला कैप्टेंसी, why not? Even अगर let's say आप, and especially अगर आपके पास हालैंड नहीं है तो definitely साला should be your captain. भाटिया साहब, do you think Jota starts? Yeah, honestly, not sure. Darwin बहुत अच्छा खेले थे and his goal was sensational. Yeah, it was. हम जानते हैं Darwin का कि he scores the difficult ones, misses the easy ones. तो अब slot के ऊपर if he wants to reward him for his performance, तो I think he continues. अगर pure rotation देख रहे हैं तो it could be Jota, but I don't think Jota is an FPL option anymore just because of this rotation risk. अगर आप Salah afford नहीं कर सकते या Salah को बेच रहे हैं तो I would say go with Diaz if you want to cover a Liverpool attacker. Probably you're getting the best Liverpool attack on Luis Diaz on current form, but I think Jota filhal mere liye to FPL pick nahi. Avoid. Bilkul, I think jo midweek Carabao Cup match hai, that will be a very good indication, I feel. So agar I think Jota start karta hai wo match, to there is absolutely mere ko lagta bahut kam chance hai he'll start on the weekend. Yeah. But if Darwin Núñez start karta hai, then I think Jota might get a start in this match. And of course, don't forget ki he came from Wolves. जो इम्पोर्टेंट है उनसे के बारे में बात करूंगा, बिकॉज वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम. सिटी में वी हैव गॉन, न्यूकासल मैन सिटी में ऑल गॉन फॉर अ 3-3 विन. आई फील की पॉसिबली क्लीन शीट भी आ सकती है. आर्सेनल लेस्टर में वी हैव ऑल गॉन फॉर अ 2-0 स्टैंडर्ड स्कोर लाइन. वी डोंट सी कि आर्सेनल बहुत ज्यादा गोल स्कोर कर सकती है ऑब्वियसली, बट कंसीडरिंग थोड़े उनके क्रिएटिव इश्यूज हैं, मे बी कपल ऑफ गोल्स, एंड आर्टेटा इज समवन जो बैक करते हैं अपनी टीम को टू डिफेंड अ कपल ऑफ गोल्स, सो आई डोंट थिंक ही विल गो ऑल गंगो. ब्रेंटफोर्ड वर्सेस वेस्ट हैम में, भाटिया साहब, आर यू कॉन्फिडेंट ऑफ अ ब्रेंटफोर्ड क्लीन शीट? नॉट कॉन्फिडेंट, जस्ट बी अ बेसिस वेस्ट हैम के परफॉर्मेंस देख के, उनका अटैक देख के, बट it could easily be a 2-1, it could easily be a 3-1 to Brentford. Brentford jada goal ki maar sakti hai at home, but I think consensus yahi hai ki we're all expecting Brentford to win this game quite comfortably. Yeah, Chelsea Brighton mein Manan has gone for a Chelsea win, which is I think the logical thing to do, but Bhatia sir, me and you have backed draws. I think that's more because of Brighton, because Chelsea acha khel rahi hai. You mentioned something interesting ki you like Chelsea away from home more as compared to Stamford Bridge. Stamford Bridge अभी तक दोनों रिजल्ट्स उनके, आई थिंक वन गेम वाज अगेंस्ट पैलेस, एक और मुझे याद नहीं है किसके साथ ड्रॉप पॉइंट, मैन सिटी, दे लॉस्ट दैट, या डेफिनेटली. सो एंड अवे आई थिंक दे हैव अ परफेक्ट रिकॉर्ड सो फार. सो अवे क्या है, दे कीप द बॉल एंड दे गेट टू काउंटर और दे अटैक वेरी क्विकली, और होम गेम्स में आई थिंक दे हैव मोर ऑफ द बॉल, जहाँ पे दे आर अगेंस्ट
डीपर ब्लॉक दैट दे हैव टू ब्रेक डाउन, और अभी तक इतनी कन्विंसिंग नहीं लगी है चेल्सी. प्रोबेबली दैट्स व्हाई. और ब्राइटन मेरे को हालांकि उनका डिफेंस खास नहीं लगता, बट दे हैव इनफ इन देम टू होल्ड आउट चेल्सी डेफिनेटली. Everton Palace, this is interesting because भाटिया साहब आपके पास होंगे, me and Manan have backed a Palace win, जो definitely कुछ बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा probability है likely, because Palace और Everton दोनों अभी तक नहीं जीती एक भी मैच, but because वो मैच नहीं जीती है, we think कि one of them will finally get a win. But ऐसा क्या दिखा आपको Everton में कि you feel they will pick up a win at Goodison? हर वीक आपको एवर्टन में क्या दिखता है कि आप हमेशा उनको बैक करते हैं, दैट इज द राइट. भाटिया साहब लव्स एवर्टन एंड गुडिसन पार्क मैन. या आई थिंक मनन शुड एग्री विद मी हैविंग डीसीएल इन हिज ड्राफ्ट दैट एवर्टन आर द बेटर टीम. बट यार लास्ट आई थिंक एवर्टन सरप्राइजिंगली, अदरवाइज वी नो एवर्टन एज अ वेरी डिफेंसिव टीम, पार्क द बस, शॉन डाइस, सब जानते हैं, बट दिस सीजन देयर अटैक हैज बीन रियली गुड, स्पेशली ड्वाइट मैकनील जो लेफ्ट विंग के जगह पे नहीं जबकि नंबर 10 पे खेल रहे हैं, ही इज फीडिंग कैल्वर्ट लुइन, सो कैल्वर्ट लुइन इज एक्चुअली गेटिंग अ लॉट ऑफ चांसेस, ही इज मिसिंग देम एज वेल, बट दे आर स्कोरिंग लॉट ऑफ गोल्स. आई थिंक फर्स्ट टीम जो दो मैच में दो गोल मारने के बाद हार गई बैक टू बैक था, सो दे आर स्कोरिंग गोल्स, आई स्टिल बैक देम टू स्कोर गोल्स. अगर ब्रैंटफोर्ड आके थोड़ा भी सॉलिड कर पाते उन्हें, उतना एक्सपेक्ट करते हैं हम ब्रैंटफोर्ड से, तो आई थिंक दे शुड विन, क्योंकि पैलेस भी खास नहीं है यार, पैलेस भी बहुत इनकंसिस्टेंट है. Even though they have the better players in Eze, अगर Mateta start करते हैं, NKT as a sharp shooter, बहुत सारे shots लेते हैं, तो you expect Palace to score, but I think this match could go either way. Yeah, I think a few good cheap forward options to keep an eye on. Illiman Ndiaye is also 5.4. There is Calvert-Lewin and NKT of course, who could turn out to be a very good asset under 6 million. Forest Fulham, once again me and Manan, we have gone for a draw. Bhatia Saab has backed a 1-0 win. वोल्स लिवरपूल की बात करें, सो वी हैव ऑल गॉन फॉर अ कन्विंसिंग लिवरपूल विन. अब आते हैं मैन यूनाइटेड टॉटनम पे. भाटिया साहब द यूनाइटेड फैन, 2-1 विन एट ओल्ड ट्रैफर्ड, जबकि मनन मी एंड यू हैव बैग्ड अवे विन फॉर स्पर्स, जहां पे उन्होंने स्ट्रगल किया अभी तक. सो लिटरली आई हैव नो आइडिया यार इस मैच में क्या होगा, बट ऑल रिजल्ट्स आर पॉसिबल, बट वी हैव बैग्ड गोल्स. दिस विल बी अ फन वॉच. दोनों टीम्स जो डिफेंसिवली स्ट्रगल करती है थोड़ी, दोनों टीम्स थोड़ा अटैक पे ज्यादा रिलाई करती है. टॉटनम बहुत चांसेस क्रिएट करी अगेंस्ट आर्सेनल भी, हमने देखा देवर द डोमिनेंट टीम थोड़ी सी. एंड अगेन दिस यूनाइटेड टीम, आई पर्सनली कोई वेंडेटा नहीं है, बट आई जस्ट फील कि यूनाइटेड का डिफेंस बहुत पुअर है, एंड दैट इज वेयर मुझे ऐसा लगता है वो चांसेस देते हैं. अगेन अ प्लेयर लाइक सॉन को अगर लेट्स से काउंटर पे थोड़ा चांस मिलता है, ही इज वेरी क्लिनिकल. ब्रेंडन जॉनसन का फॉर्म काफी अच्छा हो गया, एंड सोलंकी इज बैक टू हिज, ही स्कोर्ड अ गोल इन लास्ट मैच. तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि टॉटनम माइट थोड़ा सा एज में उनको दूंगा, बट दिस विल बी अ वेरी वेरी फन वॉच. या बाटे साहब, मैनचेस्टर यूनाइटेड ग्लोरी ग्लोरी एट ओल्ड ट्रैफर्ड. रिवर्स जिंक्सिंग का क्या हुआ जो आपने लास्ट गेम भी करा था? उसके बाद मैंने परफॉर्मेंस एक और सरप्राइजिंगली काफी अच्छा खेले यार, और इस सीजन के स्टैट्स देखूं तो top 3 for big chances created, top 4 big chances missed, so we are definitely creating bucket loads of chances. Or defensively last season top bottom 5 mein the for goals conceded and xg conceded, and I think bottom for the number of shots conceded, 25 plus shots most games. This season wo bhi utna nahi hai, so we are not conceding the volume of shots, maybe we're not as strong as Arsenal defensively, but itna kharab nahi hai, so I think we could get a win in this one. Fascinating. Ipswich mein we have gone for me and everyone once again Villa win. Bhatia saab, you fancy Ipswich, don't you? Matlab every you time maine dekha hai aap ek Ipswich ko back like the manager, they actually deliver for you. I like the manager, काफी smart है tactically, और promoted teams की बात करूंगा तो Southampton और Leicester से ज्यादा impress मुझे Ipswich ने किया है, और home पे they are not that bad. I think they got a point previously as well at home. And Villa haven't blown teams away. Last season का top 4 वाला form अभी तक नहीं है उनका. So it could be a upset. ये draw कर जाए. But I think the popular choice is the ones that y'all have gone for backing a Villa win. But I have hopes कि Ipswich कुछ कर सकती है इस match. Yeah, Villa for me going forward have looked very good. So yeah. I do feel Ipswich are good defensively at home. I think third draw था इनका ये. But Villa are just, they have too much going on up front. And John Duran off the bench, man. What a guy.
Bournemouth Southampton mein Monday night we have all gone for a Bournemouth win with Southampton to also score a goal. So Bhati sahab, let's go to your team. Kya plan hai? How many transfers do you have and what are your transfer plans if any this week? Have you used your free transfer? Yeah. So I'll come to that. Mere paas char transfer the. Maine abhi tak season transfer kiya hi nahi tha except the wild card. So wow. I've actually done a lunacy jaise Chopra sahab ne kaha. I'm not confident on that, but I think just to get the funds to upgrade other areas, that was the main reason I did Salah to Saka already. Aur maine Poro bech ke Gabriel liya hai. Last season yaar I never went with double Arsenal defense aur kahin pe mere back of the mind wo tha ki this again it could be the play, especially seeing Gabriel being such a huge threat from set pieces. I could have sold Robertson as well. Liverpool ke defensive fixtures khas nahi hai. But Poro se I was not very convinced. Spurs, you don't really expect clean sheets for them. Liverpool thodi better lagi defensively. Mere paas abhi bhi do free transfer hai. I'm considering using one more to either get in a Solanke or a Luis Diaz. I have the money, but not sure if I'll do that. Aap bataiye karna chahiye nahi karna chahiye. Luis Diaz aap kiski jagah loge? That is the big question. Exactly. So wo to out hai. मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आपने दोनों को बेंच किया है. So, चेल्सी ने सिग्निफिकेंटली जो अगेन फ्लैंक्स से कंपेयर करो तो मोस्ट चांसेस उन्होंने सेंटर से कंसीड किए. तो अगेन वेलबैक गोल जेन्युइनली आ सकता है, बट इफ यू आस्क मी, मुझे ऐसा लगता है कि आप डेफिनेटली जाओ पेड्रो क्रचेस एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का वेट करना चाहिए. बट आई स्टिल फील जो दूसरे ऑप्शन है, ऑब्वियसली सोलंकी और जैक्सन जो आपने मेंशन किया, वो मेरे को पर्सनली ज्यादा बेटर ऑप्शन लगते हैं. एंड इट्स अ अपग्रेड ऑन अगेन. एंड अगर आप मेरी वाइल्ड कार्ड टीम एंड आपकी वाइल्ड कार्ड टीम कंपेयर करेंगे तो काफी फिर सिमिलर होगी. तो यू कैच अप टू ऑल दोस क्योंकि आपके पास चार फ्री ट्रांसफर्स भी थे. तो आई स्टिल फील कि दैट इज अ मूव आप कंसीडर कर सकते हैं, मे बी इस वीक और मे बी नेक्स्ट वीक. सो आइडिया इज मे बी गेट सोलंकी इन 8 बिकॉज स्पर्स हैव यूनाइटेड अवे, ही कैन डेफिनेटली स्कोर. ब्राइटन अवे ऑल्सो ही कैन स्कोर. बट अगर मैं सोलंकी लाता हूँ देन आई हैव टू बेंच रिको लुइस और मुझे लग रहा है ये गेम स्टार्ट करेगा. So I don't have any other option jisko main bench kar sakta hu. Everyone else is pretty much starting. So currently it's one position for Lewis, Welbeck or Joao Pedro. Welbeck max one goal if you're lucky. Lewis high upside hai, could be a 0 point. What do you think, Bhati sahab? We might get team news also because early fixture. Early fixture. So I think that's a good sign. अगर न्यूज आती है कि लुइस नहीं खेलता है देन आई कुड थिंक ऑफ डूइंग द सोलंकी और द जैक्सन. या सर्टेनली. एंड कैप्टन हालैंड? कैप्टन हालैंड फॉर श्योर. ओके फेयर. ओके सो लेट मी गो टू माय टीम. आई हैव कैप्टन द गाय यू हैव जस्ट सोल्ड, मोहम्मद साला. You're the elite FPL manager. I make foolish decisions. Yeah, 2.3 million in the world. Absolutely elite. I have obviously mera team on paper looks worse because wildcard nahi kiya hai, but happy with the midfield. Jota ke alawa that is going to be my transfer most likely for Mbuomo. So aap assume kar sakte ho ki Jota to Mbuomo I've done using one of my two free transfers. So I'll have Smith Rowe, Mbuomo, Salah, Rogers and Eze which I'm happy with. Haaland up front with João Pedro. João Pedro pe again we don't have an update. डिफेंस में आई हैव सलीबा एंड ट्रेंट जो ऑब्वियसली मैं खिलाऊंगा. पोरो, मुनियोज, मुरिलो, इन तीनों में से एक आई हैव टू प्ले. सो आई डोंट थिंक आई विल प्ले मुरिलो बिकॉज मिथ्रो के अगेंस्ट होगा एंड आई एम बैकिंग फुलम टू स्कोर. तो मुनियोज वर्सेस पोरो है. आई स्टिल फील कि इट्स अ 50-50. दोनों मुझे लगता है डिसेंट हो सकते हैं ऑप्शन. सो आई हैव टू थिंक अबाउट दैट. और ट्रांसफर विल बी मोस्ट लाइकली एम्बुएमो. अगर मैं दूसरा ट्रांसफर यूज करूं तो आई विल प्रोबब्ली डू पोरो टू कालाफ्योरी मे बी. और इफ ग्वाडियोल ड्रॉप्स आई कैन गेट अ ग्वाडियोल ऑल्सो बिकॉज आई एम प्राइज आउट ऑफ गैब्रियल. इफ आई हैव टू गेट गैब्रियल देन आई हैव टू टेक अ हिट, रिमूव पोप एंड गेट इन समवन लाइक
Flecken or a Petrovic karo, Sanchez. But I don't want to remove keeper for a hit, right? Just to squeeze in a Gabriel. So I might take a punt on Calafiori. And uske alawa, I also might take a punt on Guardiola to Poro ko hata ke. So that is the two moves jo main shayad soch raha hu. But everything is contingent on João Pedro ka news also. क्योंकि जाओ पेड्रो अगर नहीं खेला तो देन मुझे फॉरवर्ड कैटेगरी में कुछ करना पड़ेगा जिसमें मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं बिकॉज इट्स ऑल पंटी. सो थॉट्स ऑन कैप्टन साला. आई थिंक ग्रेट कैप्टेंसी. इट सीम्स वेरी लॉजिकल. देयर इज नथिंग मेवरिक अबाउट इट. जस्ट दैट पीपल हैव सोल्ड साला फॉर आर्सेनल एसेट्स. आई वाज वेरी हेसिटेंट टू डू सो बट पुल द ट्रिगर बिकॉज आर्सेनल नेक्स्ट टू फिक्स्चर्स प्रोबेबली बेटर. Salah could get you straight away into top 500k this week if he fires. Is that good an option? So yeah, but hamesha issue ye hota hai Vardy sahab isme ki you are backing against Haaland, right? So you Haaland, do expect yeah, that Haaland is the to reason. Yeah. So you're banking against you're not banking just against Haaland, you're backing against Arsenal attack also. Saka yeah. returned yeah. in every game and agar साका एक आध असिस्ट देता है तो यू गेट अवे विद इट. बट अगर दो तीन रिटर्न आते हैं जो आ सकते हैं एक एक गोल एक असिस्ट आ गया तो 13-14 पॉइंटर है. दैट विल बी ट्रबल फॉर यू. बट या दैट इज द रिस्क. बट अपसाइड है साला है दो गोल मार सकता है खुद भी. या आई थिंक देयर आर सो मेनी गुड फिक्स्चर्स राइट फॉर सो मेनी गुड टीम्स. सो आर्सेनल लिवरपूल और सिटी तीनों के बहुत ही अच्छे फिक्स्चर्स हैं. सो आई थिंक इट्स गुड बी अ वेरी स्विंगी वीक. बहुत स्विंगी वीक हो सकता है. अब हम सब बैक कर रहे हैं कि आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव बैक लिवरपूल टू स्कोर मिनिमम 3 एंड सिटी टू स्कोर मिनिमम 3. या राइट. तो ऑब्वियसली हालैंड इज द वन जो मोस्टली सिटी के स्कोर करता है. एग्जैक्टली मेरा ऐसा कुछ साला ने किया नहीं है जिससे मैं बहुत पुट ऑफ हूं. ऐसा कुछ नहीं किया. ही हिट द बार ट्वाइस अगेंस्ट मिलान. उससे पहले तो आपको पता ही है सीजन में क्या किया था. लास्ट मैच में 6 चांसेस क्रिएटेड एंड 4 शॉट्स ऑन टारगेट. सो मुझे लगता है कि अगेन ही इज समवन जो has looked good. Stats are there. Everything is good. And Wolves are absolutely struggling right now. They could absolutely get battered. So I think it's a calculated risk going for Salah. नहीं चला तो नहीं चला. But ठीक है. मुझे लगता है कभी कभी कुछ points in the season में आपको कुछ थोड़े बहुत risk लेने चाहिए. तो मेरे को लगता है कि this is a chance जहाँ मैं risk थोड़ा सा ले सकता हूँ. I genuinely feel कि Salah can do really well this week. One last question for a lot of people जो struggle कर रहे होंगे with this कि if you had to start one of Smith Rowe or Rogers this game week, who would you start? Rogers easy. Okay. Easy. Okay. Nice. Okay. So Manan, अपनी final जो wildcard team है, जो हमने शुरू में देखी थी, जो भी final iterations हैं, please share it on your Twitter handle. Yeah. You can also follow Bhatia sir and me on our Twitter handles as well. तो सारे आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. एंड लेट अस नो यार आपके क्या डायलेमास हैं इन द कमेंट्स बिलो. वी विल आंसर देम. एंड आल्सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक. एंड वी विल सी यू वेरी वेरी सून. एनी फाइनल थॉट्स भाटिया साहब? मनन जस्ट कि लिवरपूल प्लीज 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 बी शो मर्सी is what I'll say again. It will be a very swingy game week, that's for sure. I think this will be very high scoring and a very swingy game week, so brace yourself. Yeah, enjoy the variance and don't forget, always play it your way. There is not one way to play. Aap apne hisab se khel sakte. Play it your way. Cheers guys, we'll see you soon. Bye. Cheers. Cheers guys.